स्वागत है आप सबका ब्राज़ील में फिर से। मैंने 4 दिन से वीडियो नहीं निकाला क्योंकि मैं हॉस्टल में था, काम कर रहा था, पर अभी मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ एक खास बीच जिसे कहा जाता है द न्यूड बीच। तो पहली बार कोई न्यूड बीच में जा रहा हूँ मैं। राइट में है वेनेजुएला से होजे, लेफ्ट में है अर्जेंटीना से लुइस, और हम तीनों ही वॉलंटियरिंग कर रहे हैं सेम हॉस्टल पर। फिलहाल हम लोग को लेट हो चुका है, बस लेना है, आपको दिखाना है न्यूड बीच जितना दिखा सको। वेलकम टू ब्राज़ील। हे, माय नेम इज राजा एंड आई एम ऑन द रोड फॉर मोर देन अ ईयर। फॉलो माय जर्नी टू सी हाउ टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड विद आवर इंडियन पासपोर्ट। 35 कंट्रीज एंड काउंटिंग। न्यूड बीच दुनिया में कई जगह पे है। माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ए सेमी न्यूड बीच वाज इन फ्रांस, जहाँ पे मुझे पता भी नहीं था कि ये न्यूड बीच है। और आज मैं पहली बार प्लान करके अपने दोस्तों के साथ जा रहा था ये पहाड़ चढ़ के एक सीक्रेट स्पेशल न्यूड बीच इन ब्राज़ील, जहाँ पे थे दुनिया के अलग ही मज़े। इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट इफ यू आर अंडर 18 देन स्किप दिस वीडियो एंड रेस्ट ऑफ यू लेट्स एक्सप्लोर न्यूड बीच विद एक्सप्लोर राजा। अपना पहला बस आ गया दिन का 250। तो 4 रियल और 25 सेंट, यानी कि 16 से मल्टीप्लाई कर दो जितना हो रहा है उतना है टिकट। तो अभी टिकान स्टेशन पे हम लोगों ने बस भी चेंज कर ली। और यहाँ पे ब्राज़ील के साउथ में केसर अर्जेंटीनियन और अर्जेंटीनियन ड्रिंक माटे सब शेयर करते हैं बस में, और मेरा दोस्त भी शेयर कर रहा था मेरे साथ जिसका मज़ा ले रहा था मैं राइड के थ्रू। तो अभी हम लोग उतर गए बस से, 1 घंटे की जर्नी थी और अभी 1 घंटे की हाइक होने वाली है। तो हमें पता नहीं था कि ये इतना टूरिस्टिक आइलैंड है। थोड़ी ना पुलिस आकी आकी नो नो दिस वे अमिगो किरेवेरा इक्वल। ये पूरे आइलैंड में कम से कम 8 से 10 वो है क्या कहते हैं बीच और स्पॉट्स है, तो सब तो एक्सप्लोर करना मुश्किल है। फिलहाल जितना हो सके 2 हफ्ते में कर लेते हैं। और आई वॉज स्किपिंग फ्लोरिनोपोलिस, मैं आ नहीं रहा था, पर देखिए कितना सुंदर है। You are a YouTuber. See? Yes. Yeah. How many follow? 1,000. Good. तो सारे बाकी टूरिस्ट चले गए दूसरी जगह, हम लोग सिर्फ 3 दिन जा रहे हैं एक जगह क्योंकि ये है सीक्रेट जगह। तो हम लोग जा रहे हैं इस वाले ट्रेल पे। यहाँ पे 3-4 और ट्रेल है, मेन मोटो है पहाड़ चढ़ना और पहाड़ के उस पार वाला बीच देखना। बीच ही देखना मोटो है और कुछ देखना नहीं है, हम लोगों को दिखाना भी नहीं है। देखो सिर्फ 15 मिनट भी नहीं हुए और कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये पागल हो चुका है, ये लोग आने नहीं वाले थे, मैं बोल बोल के लाया हूँ उन सबको क्योंकि आज हम तीनों का ऑफ है। आसान नहीं है, हाइकिंग शूज तो ज़रूरी है। और अभी आने वाले उससे भी बड़े, ओ माय गॉड अमीगो, ओ देखो यार
टूरिस्टिक करने से ये सब नहीं मिलेगा, ट्रैवलिंग करो। हम तीनों को वॉलंटियर्स थे और बस दो दिन पहले मिले थे, पर ये पॉइंट पे हमें एकदम दिल चाहता है वाली फीलिंग आ रही थी। थ्री बेस्ट फ्रेंड्स गोइंग टू ए न्यूड बीच। No, hace poco. Sí, pero. Shukriya, pero mucho aur nahi chahiye. Aisa kiya jaise sab samajh mein aa gaya. Oh, kaanton se bach ke rehna hai. Zindagi hai kaanton ka rasta. Aur aise khoobsurat nazare. वो है लगून और वो है समुद्र और ये आपका एक्सप्लोरर राजा और यहाँ पे पारी हो रही है, उधर जाना है हम लोगों को। और आगे हम लोग अपने डेस्टिनेशन जो कि है न्यूड बीच ऑफ, पर ज़्यादा लोग नहीं है फिलहाल, जाके देखते हैं, पहले नहाते हैं। एक्साइटमेंट तो था पर थोड़ा डर भी लग रहा था कि अभी यहाँ पे मुझे न्यूड होना पड़ेगा एंड दिस वॉज समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर। थोड़ा तो डर लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। गर्मा गर्म रेत पे हाँ पैरों का मसाज हो रहा है और थोड़ी देर बाद चल जाएगा। चलो चलते हैं। What does it say? Like तो अपना दोस्त नंगा होके चला गया नहाने, मैं भी करता हूँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, माफ करना। पर ये चीज आगे एक्सपीरियंस करो, ये है न्यूड बीच। जस्ट लाइक किसी बीच पे पानी में पहली बार उतरने से पहले थोड़ा डर लगता है कि पानी बहुत ठंडा हो या फिर गहरा होगा, फिर उतरने के बाद सब डर निकल जाता है और आप फ्रीली मजे करते हैं। वैसा ही यहाँ पे था। एक बार जब मैंने कपड़े खोल दिए और पानी में जाके डुबकी लगा गया फिर सब नेचुरल हो गया था, अभी डर नहीं लग रहा था, अब बस अच्छा लग रहा था। ये था न्यूड बीच का। मैं नंगा हो चुका हूँ, मेरे सब दोस्त नंगा हो चुके हैं, पर इसका मज़ा अलग है यार, इसका मज़ा अलग है। कुछ नहीं मैंने पहना क्योंकि यह है नेचर का वास। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, ज़िंदगी के मज़े लो। अलग चीज़ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ऐसे बीच में नंगा चल रहा हूँ। लड़कियाँ भी थी लड़का भी है, सब है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, बस मज़े लो और ये समुद्र देखो। यहाँ का वेव्स बहुत अच्छे हैं और सब कुछ हिला के जा रहे हैं, समझ लो यार। नो वेव्स अगर आपने इस वीडियो पे वही सेम मेंटली से क्लिक किया है जिस मेंटली से मैं आया था इनिशियली न्यूड बीच के लिए, तो आपकी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी अगर आप जिंदगी में कभी न्यूड बीच गए हो। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इट डजेंट मैटर कि कौन न्यूड है, कौन बगल में नंगा है कि नहीं है, इट वॉज अबाउट सेल्फ लविंग एंड सेल्फ एम्ब्रेसिंग ऑफ योर ओन बॉडी। मतलब हमारा दिमाग अलग ही स्टेट पर चला गया था, हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था दुनिया का, कौन है बगल में, कौन नंगा है कि नहीं है, हम लोग बस खुद अपने आप को एंजॉय कर रहे थे, अपने बॉडी को एंजॉय कर रहे थे। It was all about body positivity of yourself, not looking at someone else who is naked in the beach. बहुत खींच रहा है पानी बहुत खींच रहा है अपने को।
वी वर जस्ट एंजॉइंग स्किनी डिपिंग. थोड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को, बट ओनली पीपल हैव बीन टू नीड विच कैन अंडरस्टैंड दिस फीलिंग व्हाट वी आर फीलिंग एट दैट पॉइंट. मतलब ये वीडियो देख के समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, आप लोगों को अजीब लगेगा शायद. नंगे होके बैठे हैं, अलग ही मजा यार, क्या बताऊं आपको. तो हम लोग बहुत बजट बैकपैकर हैं, तो घर से लंच बना के आए थे. ये सैंडविच है मेरा आज का लंच. बहुत बढ़िया. वो मेरे दोस्त एक सोया हुआ है, एक पैदल चल रहा है, और एक मेरे बहुत बढ़िया. GoPro stop recording. This is tasty, man. Yeah, the apple, right? And the banana. उधर लड़कियां भी हैं जो कि नंगे बैठे हैं. तो मैं गया उन लोगों के पसंद, बोला कि लेट्स टेक सम फोटोज. और वो लोग भी टूरिस्ट थे, हम लोग भी टूरिस्ट थे, तो हम लोगों ने साथ में कई सारे अलग अलग पोज में अलग अलग फोटोज लिए. और फिर 5 मिनट बाद हम लोगों ने बाय बोल के निकल गया. जहाँ भी जाओ ये करना जरूरी है. सब मजे अलग जगह, और साफ सफाई और एनवायरनमेंट का ध्यान अलग जगह, ये बात सीख लेना, ठीक है. बाकी मज़े लो मेरे बंधु के जैसे, मेरे बंधु जैसे मज़े ले रहे हैं. अभी कोशिश करेंगे उन लड़कियों के साथ एक सेल्फी लेने का. अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं नंगे होके. कुछ लोग नंगे हैं, हम लोग. भाई इस वीडियो में कमेंट जो भी करना है करो, पर भाई प्यार दिखाओ. हम लोग प्यार से दुनिया से प्यार बांट रहे हैं. अभी पहाड़ में चढ़ने वाले हैं. तो ये पूरा बीच है न्यूड बीच. बहुत हवा है, निकलते हैं यहाँ से. तो बहुत नहा लिया, अभी कपड़े पहन लिए. मोस्ट ऑफ अस सब ने कपड़े पहन लिए. वो दो जन है अमेरिका से. व्हाट? रिलैक्स. नो आंसर. तो ये अपने अर्जेंटीना भाई तो पूरा उड़ चुके हैं. इतना मज़ा आ गया उसको, क्या बताएं. आपको कैसे बताएं, मैं अर्जेंटीनियन और वेनेजुएला, हम लोग तीनों ऐसे नंगे चल चलते उधर गए, उधर गए, पूरा नंगे चले, कोई फर्क नहीं पड़ता. और हम लोग को देख के कुछ और लोग भी नंगे होने लगे. पहले न्यूड बीच में आए हो तो न्यूड होना ही पड़ेगा, बाढ़ में गए हो तो दारू पीना ही पड़ेगा, ऐसा सीन. फिलहाल हम लोग दूसरे ट्रैक से शॉर्टकट लेके जा रहे हैं, जो कि सामने है दूसरा बीच जिसका नाम है मोली. तो वहाँ से हम लोग वापस जाएंगे घर. शॉर्टकट लेने के चक्कर में 3-4 जगह घाव हो गया अभी कट के. पर ठीक है यार, ठीक नहीं है, बहुत कट गया है इधर. हम लोग अभी हाइक करके नहीं जा रहे, दूसरा एक फेमस बीच है जिसका नाम है मोली. वहाँ पे बस स्टेशन मिल जाएगा, बस लेके जा रहे हैं.